तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर चीजें एक्सपैंड होती हैं जब आप उन्हें हीट करते हो, पॉइंट नंबर वन। तो कैसे एक्सपैंड होती हैं? लेंथ वाइज अगर एक्सपैंड होती हैं तो फॉर्मूला नोट करेंगे, नई लेंथ जो होगी ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे अगर एरिया वाइज इंक्रीज होती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो एस डैश क्या होगा? एस इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो और अगर ऐसी वॉल्यूम वाइज एक्सपैंड होती है तो यहां पर क्या टर्म यूज होगी? गामा, क्यूबिकल एक्सपेंशन। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और ऐसा तो है नहीं कोई चीज जब एक्सपैंड होती है लेंथ वाइज होती है या एरिया वाइज या वॉल्यूम, तो इकट्ठी भी हो सकती है। जब इकट्ठी होती है तो रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा का, यह रिलेशन नोट करें, अल्फा बाय 1 इज बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, ये नोट करें, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल में वो वॉल्यूम एक्सपेंशन करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपको गामा चाहिए होगा, देगा आपको अल्फा, तो अल्फा से गामा आप यहां से निकाल लेंगे। उसके बाद जब क्या होता है, जब गैस एक्सपैंड होती है, जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसका उसका आपको क्या निकालना है? गामा निकालना है। क्या होगा? तो सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, 1 बाय टेम्परेचर होता है, 1 बाय टेम्परेचर होता है। वैसे इसमें प्रूफ एनसीईआरटी का ये कि 1 बाय टेम्परेचर होता है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन गैसेस का 1 बाय टेम्परेचर होता है, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या करना है, लिक्विड की एक्सपेंशन। सबसे मुश्किल जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड एक्सपेंशन इकट्ठी जब चलती है उसमें थोड़ी मुश्किल आती है। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एक एक्सपेंशन का गिवन होता है या सॉलिड का या लिक्विड का, बट इकट्ठे गिवन हो तो क्या रूल क्या है? तो रूल नंबर 1, जब लिक्विड एक्सपैंड होता है किसी कंटेनर में, ऐसे तो गैस के ऊपर लिक्विड फेंकोगे नहीं, किसी कंटेनर में करोगे, कंटेनर सॉलिड होगा हमेशा। तो जब आप गर्म करोगे पहले क्या एक्सपैंड होगा? सॉलिड। हीट लिक्विड तो बाद में पहुंचेगी, पहले सॉलिड गर्म होगा। सॉलिड गर्म होगा तो एक्सपैंड होगा। तो लेवल लिक्विड का अगर मान लो पहले ए पे था, वो पहले गिरेगा, जब आप गर्म करोगे ना लिक्विड तो वो उठेगा नहीं, वो उल्टा पहले गिरेगा, क्योंकि लिक्विड ठंडा है और सॉलिड एक्सपैंड हो गया, तो वो एक्सपैंड हो गया, फिर लिक्विड गर्म होगा। लिक्विड बहुत गर्म हो जाता है, और लिक्विड गर्म भी होता है एक्सपैंड भी ज्यादा होता है, गैसें तो बहुत ही एक्सपैंड होती हैं। तो लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड होगा, लिक्विड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले गिरेगा, फिर ए पर आएगा और फिर जाके सी पे आ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो अब देखने वाले को क्या लगा? देखने वाले को यह लगा कि एक्सपेंशन सीधा ए से सी हो गई, लेकिन रियलिटी क्या है? एक्सपेंशन पहले बी हुई, बी से सी हुई, ठीक है यहां तक? तो दोनों में फर्क है। तो इसीलिए एक रिलेशन भी बुक्स में यूज होता है कि जो गामा एपरेंट, एपरेंट का मतलब जो लगा, और गामा ग्लास का, जो एक्चुअल में ग्लास भी तो एक्सपैंड हो रहा है, तो एपरेंट जो लगा और ग्लास का एक्सपेंशन मिला दें तो फिर रियल गामा आ जाता है, आर है, गामा आर। जो गामा रियल होता है, रियलिटी में क्या होता है, जो जो वेसल है, ग्लास है, वो भी एक्सपैंड हो रहा है, और साथ में जो हमें लग रहा है वो तो है ही है। क्योंकि हमें क्या लग रहा है, हमें तो बस ये लग रहा है कि ए से सी पे चला गया, तो हमने ये गामा ले लिया, लेकिन रियलिटी में ये ग्लास का एक्सपेंशन भी बीच में लेना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन मार्क करने को आ जाए तो ठीक है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े मुश्किल हैं और मिलेंगे भी कम आपको इसके अंदर बुक्स के, ऐसे मिलेंगे। ये आता है डेंसिटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जब आप कोई भी चीज़ को एक्सपैंड करते हैं तो उसकी डेंसिटी कैसे चेंज होती है। तो वॉल्यूम का लिख लें रिलेशन पहले, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मास तो बढ़ता नहीं है, तो डेंसिटी कम होती है। तो एक काम करें, वॉल्यूम को लिखें मास बाय डेंसिटी, पुरानी डेंसिटी मास बाय नई डेंसिटी, मास से मास कैंसिल, ये फॉर्मूला प्लीज उसमें डालें बॉक्स में, ये फॉर्मूला बॉक्स में डालें, ये बहुत यूज होता है, ऐसे इसी फॉर्म में बुक्स में गिवन होगा। तो नई डेंसिटी पुरानी डेंसिटी 1 upon divided by 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, पहला फॉर्मूला। इसको ऊपर ले जाते हैं न्यूमेरिकल में, आप देखेंगे स्पेशली नॉन मेडिकल, मेडिकल में बस फॉर्मूला ही को काम आएगा, नॉन मेडिकल वालों जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे, ये यूज करते हुए ऊपर लेके जाएगा, फिर बाइनोमियल यूज करेगा, तो बाइनोमियल से ये रिजल्ट आएगा। तो आप दोनों रिजल्ट यूज कर लें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ये भी यूज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, ठीक है? तो डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूलाज हैं इसके। और जो वाटर है उसकी एक्सपेंशन अजीब है, जब गर्म करते हो तो पहले उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम वाटर का कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको याद होगा, और फिर बढ़ता है। तो ये इसका बिहेवियर है वाटर का, बस और इसमें कुछ करना नहीं है। इसके अंदर इस प्रॉब्लम को करेंगे,
बहुत आती है एनसीईआरटी से लेके, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और ये बहुत आती है इसमें नीट में और मेंस में। एक बार पढ़े प्लीज, टाइम पीरियड 2π√L/G पे। क्लॉक विद आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच विल इट लूज या गेन इफ टेम्परेचर चेंजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्रॉब्लम क्या होती है इन पेंडुलम्स में, लेंथ ऑफ द पेंडुलम टेम्परेचर इंक्रीज करने से चेंज हो जाती है। जब लेंथ चेंज होती है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता क्या है, 2π√L/G। ये तो है लंबा तरीका। लंबा तरीका क्या है जो किताबों में यूज़ किया होता है, कि मान लो ओरिजिनल लेंथ एल ज़ीरो थी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे L0 1+20 × α और ऐसे ही 40 पे लगा दिया, फिर एक बार 20 पुट किया, एक बार 40 पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, बाइनोमियल लगाई, आंसर आया। ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें हम, एरर्स का सिंपल रूल लगाएंगे कुछ ऐसे। ये देखो हम इतना लंबा काम नहीं करेंगे, हम छोटा करेंगे। ये देखो नोट कर सकते हो, इसके अंदर हम ऐसा करेंगे, टेम्परेचर टाइम पीरियड इज 2π√ क्या, L/G, ठीक है यहाँ तक तो L/G। अब क्या करेंगे हम इसमें, डेल्टा टी बाई टी सीधा, 2π में तो कुछ है ही नहीं, हाफ इंटू डेल्टा L/L/G तो कांस्टेंट है, इसमें भी कुछ चेंज है नहीं टेम्परेचर बढ़ने से, इसको क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तो किसको होना है, एक लेंथ को होना है और एक टाइम पीरियड को होना है। तो ये टर्म आ गई आपके पास, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2। अब लेंथ में क्या, डेल्टा एल क्या पुट करें, डेल्टा एल L40 − L20, तो डेल्टा एल में क्या हो रहा है, L40 − L20, और ओरिजिनल कितना था, एल ऑफ ओरिजिनल में एल ऑफ 20, ओरिजिनल तो 20 से 40 गया ना, तो L20 ऐसे, राइट। तो आप L40 पुट कर लें सीधा, L20 पुट कर लें, और आप यहां से L20 तो इसे सॉल्व करेंगे सीधा, डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा आपके पास। तो एक ही लाइन में आंसर आएगा। तो ये जो बाइनोमियल वाले स्टेप्स हैं ना, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा ही आंसर आएगा। जब आप पुट करेंगे 10α आएगा, सीधा करके देख लेना 10α आएगा। तो ये चेंज इन टाइम पीरियड आप कैसे जैसे निकाल लें, तो चेंज इन टाइम पीरियड आ गया। अब ये जो चेंज इन टाइम पीरियड है, इसमें लेंथ
क्योंकि टेम्परेचर 20 से 40 हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया। देखो टेम्परेचर बढ़ा 20 से 40 हो रहा है तो लेंथ बढ़ गई, जब लेंथ बढ़ी एल बढ़ा, सॉरी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, तो जब लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। जो काम कम टाइम में होता था अब वो ज्यादा टाइम में होगा, तो इसका लॉस हो गया टाइम में। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब गेन नहीं हुआ, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब अब आप लॉस कर रहे हो टाइम का, ज्यादा टाइम ले रहे हो काम करने में। तो इसलिए उसमें मार्क करने को आता है कि टाइम गेन हुआ कि टाइम लॉस हुआ, तो आपने क्या मार्क करना है, लॉस हुआ। टेम्परेचर बढ़ने से, लेंथ बढ़ने से, टाइम बढ़ने से लॉस हो रहा है, तो लॉस हुआ। पूरे दिन में कितना लॉस हुआ, तो ये जो टाइम पीरियड हमने निकाला ये 1 सेकेंड का है, एक चक्कर का है। पूरे दिन में कितना कितने सेकेंड्स हैं, 24 × 3600 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे दिन का लॉस आएगा। तो एक चक्कर का लॉस निकाल के 24 आवर से मल्टीप्लाई। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकालेंगे, मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये एक तरीका है जिससे कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या गिवन है, डेंसिटी रो, मास एम एंड वॉल्यूम वी आर रिलेटेड एज गिवन, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, प्रूव दैट गामा इसके इक्वल है। तो ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वैसे तो, पर चलो फिर भी। तो इसमें डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर आ गया, इसको आप टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी रो बाय डी टी आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन में चाहिए डी रो बाय डी टी जो प्रूव करना है। तो टेम्परेचर के साथ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, और इसके अंदर मास अपॉन वॉल्यूम एक तरफ, एक वॉल्यूम इधर दे दो, वी स्क्वायर को वी इंटू वी, मास बाय वॉल्यूम क्या है डेंसिटी, और डी वी बाय वी डी टी क्या है गामा। ये कैसे है, ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ऐसे होता है। इसे जब ओपन करेंगे, ओपन करने पे ये टर्म आएगी, वी डैश माइनस वी सॉल्व करने पे ये टर्म आएगी, डेल्टा वी वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी ये टर्म आएगी। तो यहाँ से डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो याद रखना गामा कैसे निकलेगा, तो इसकी जगह उसने सीधा क्या पुट कर दिया, गामा, तो आंसर आ गया। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले रिलेशन रख के उसको डिफरेंशिएट करके आप किस तरीके से डी वी और वी का कोरिलेशन गामा की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही आपको। तो ये क्या है, आपकी थर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी है। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर जैसे सपोज क्वेश्चन में आएगा कि, ये बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा, आपके पास दो अलग अलग रॉड्स हैं, एल्फा वन एल्फा टू इनके कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, एल वन एल टू इनकी लेंथ है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, एल वन प्लस एल टू, तो इफेक्टिव एल्फा क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, जो पहली लेंथ है वो एल वन है, तो ये आपने सिर्फ मेथड देखना है, याद नहीं करना, मतलब आएगा नहीं, लंबा है, लंबा है इसमें। तो जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये इसकी नई लेंथ होगी, सेकेंड रॉड की ये नई लेंथ होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो नई लेंथ इसके इक्वल आ जाएगी, नई लेंथ आ गई। वही कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठी लेंथ लो एल वन प्लस एल टू, इकट्ठा ही फॉर्मूला लगा दो, इकट्ठे फॉर्मूले में ओरिजिनल लेंथ एल वन प्लस एल टू, एल्फा इफेक्टिव होएगा और टेम्परेचर इसका भी ठीक है, तो नई लेंथ ये आएगी। अब नई लेंथ आपने अलग अलग भी निकाल ली, ऐसे भी निकाल ली, अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप सिर्फ प्लीज फॉर्मूला मार्क करो, अफेक्टिव एल्फा का फॉर्मूला एल वन एल्फा वन प्लस एल टू एल्फा टू डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू, आप ये सीधा याद करो। ठीक है, यहां तक जब दो रॉड्स कंबाइन करेंगे तो इफेक्टिव एल्फा इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रिजल्ट है, जैसे दो रॉड्स हैं, लेंथ एल और एल, और तीन रॉड्स हैं एल एल एल, तो इसमें एल्फा वन एल्फा टू, सॉरी एल्फा वन एल्फा वन ये एक मटेरियल की बनी हुई है और ये एल्फा टू अलग मटेरियल की बनी हुई है, तो हाइट क्या है इसकी, H0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कह रहा है कि हाइट रिमेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, हाइट लेंथ बढ़ेगी पर कह रहा है एच नॉट विल रिमेन सेम। तो बताओ इस क्वेश्चन में अल्फा वन अल्फा टू की रेशियो क्या होगी। एक काम करते हैं, पहले केस नंबर वन लेते हैं, केस नंबर वन में एच नॉट क्या होगा, पाइथागोरस लगा दें, यहां से एच नॉट आ गया केस नंबर वन। फिर केस नंबर टू में जब आप गर्म करोगे 3 डिग्री सेल्सियस तो ये लेंथ बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ेगी,
तो ये लेंथ एल क्या हो जाएगी, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एल इंटू वन प्लस एल्फा वन इंटू टी, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एल बाई टू का स्क्वायर, तो एल बाई टू वन प्लस एल्फा टू इंटू टी। ठीक है, दोनों रॉड्स की लेंथ बढ़ गई, एल की भी बढ़ गई, एल बाई टू की भी बढ़ गई, एल वाले का कोफिशियंट एल्फा वन है, एल बाई टू का एल्फा टू है। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गई, नई हाइट आ गई, ये मेडिकल में नहीं आएगा, तो नई हाइट आ गई और पुरानी हाइट आ गई, दोनों को इक्वेट करके जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है, रेशो आ जाएगी, मेडिकल में नहीं आएगा इतना बड़ा, पर आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम इसमें गिवन है। अब ये अगेन क्वेश्चन, इसमें सॉलिड लिक्विड दोनों के एक्सपेंशन गिवन है, ये मुश्किल प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं पहले, ये भी लिक्विड और सॉलिड की है, जरूरत नहीं इसको करने की, मुश्किल प्रॉब्लम है।